नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, नाग नागिन की कहानियाँ हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। कहा जाता है कि अगर नाग नागिन के जोड़े में से कोई एक मर जाए तो दूसरा भी वहीं आकर मरता है, या फिर एक दूसरे की मौत का बदला लेते हैं। पर कई इच्छाधारी नाग नागिन के ऊपर भगवान शिव की अत्यंत कृपा होती है। इसकी वजह से वो मुश्किल में पड़े लोगों की कई बार रूप बदलकर भी मदद करते हैं। ऐसे में दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। कहते हैं नाग नागिन पूर्णिमा के दिन मानव रूप में आते हैं और इसके बाद दोबारा नाग नागिन बन जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में महादेव के भक्त जरूर लिखें पूरे सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव, ताकि महादेव की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। दोस्तों, ऐसा ही एक वाक्य राजस्थान में देखने को मिला, जहां 5 साल की बच्ची की जान बचाने खुद इच्छाधारी नागिन आ गई, जिसे देख वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा मंजर नहीं देखा था। दोस्तों, ये बात आज से कई साल पुरानी है, जब राजस्थान पूरी तरह से विकसित नहीं था। राजस्थान के चांदपुर गांव में महिलाएं घर से कोसों दूर जाकर कुएं से पानी लाती थी। चांदपुर में रजनी नाम की एक महिला रहती थी, जो सबसे पहले सुबह जल्दी जाकर कुएं से पानी ले आती थी, उसके बाद ही घर के अन्य कामों को करती थी। एक बार जब रजनी कुएं से पानी लेने जा रही थी, तो उसकी बेटी उसके साथ जाने की जिद करने लगी। वो अपनी बेटी को मना नहीं कर पाई और रजनी अपनी 5 साल की बेटी को लेकर कुएं से पानी लेने चल पड़ी। रजनी जब कुएं से पानी निकाल रही थी, तभी उसकी बेटी खेलते खेलते अचानक कुएं में गिर गई। रजनी अपनी बेटी को कुएं में गिरता देख जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि पानी का कुआं गांव से कोसों दूर था और उस समय बहुत अंधेरा भी था। रजनी अपनी बेटी को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती रही, लेकिन वो अपनी बेटी को कुएं से नहीं निकाल पाई। रजनी हताश होकर कुएं के पास बैठकर रोने लगी और भगवान शिव से अपनी बेटी को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगी। तभी रजनी को एक रोशनी दिखाई देने लगी, मानो सूर्यदेव धरती पर आ गए हों। रोशनी इतनी तेज थी कि रजनी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद जब रोशनी गायब हो जाती है, तो रजनी देखती है कि एक बहुत सुंदर स्त्री ने उसकी बेटी को अपने हाथों में उठा रखा है। अपनी बेटी को जिंदा देख रजनी बहुत खुश हुई, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सुंदर स्त्री बच्चे को सही सलामत जमीन पर छोड़ देती है। रजनी ने तुरंत अपनी बच्ची को उठाया, उसे गले से लगाया और प्यार करने लगी। जैसे ही रजनी उस स्त्री का धन्यवाद करने के लिए उसकी तरफ देखती है, तो वहां पर एक काली नागिन दिखाई देती है। नागिन उसी कुएं के अंदर चली जाती है। ये सब देख रजनी के होश उड़ गए कि आखिर ये सब क्या हुआ था, आखिर मेरी बच्ची को किसने बचाया। दोस्तों, दरअसल वो एक इच्छाधारी नागिन थी, जिसने रूप बदलकर एक सुंदर स्त्री का भेष धारण किया और उसकी बच्ची को बचा लिया। रजनी को लगा कि शायद ये भगवान शिव का ही चमत्कार है। काफी देर होने के बाद रजनी घर नहीं पहुंची, तो उसका पति रजनी को ढूंढते ढूंढते उस कुएं के पास आया, तो रजनी ने उसके पति को सारी बात बताई। दोनों पति पत्नी ने महादेव को प्रणाम किया, फिर दोनों अपने घर चले गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।